15 16 की गल है, फलौर लागे का नौजवान सी, व्याह होए नूं अजे 5 6 महीने होए सी, दो जॉबां करदा सी कट्ठियां, मैनूं अजे कहे नूं 5 6 दिन होए सी, उत्थे दो जॉबां कट्ठियां करदा सी, रात टैक्सी चलाउंदा सी, दिन वेले ओह किसे स्टोर ते कम करदा सी, ते अपने आप बेचारा इन्ना मेहनती। मैं उहदे फ्यूनल ते भी गया, जो असं गए घरवाली गई अजे 2 3 महीने हुए सी, अजे उन्होंने अपने पैर नहीं सी लगे, पिछों भरावां ने चलो खर्चा पानी करके उन्हें उत्थे घल्लिया। पता वह क्यों मेहनत करता सी, दो जॉबां क्यों करता सी, कि जिहड़ी जमीन मेरे भरावां ने गहने करके मैनू बाहर भेजिया, मैं पहलां तो अपने भरावां नूं जमीन छड़ा के देवां, तो मेरा फर्ज बनता मैं बाहर आया, मैं अपने भरावां नूं उन्हां दी उत्थे भी कोई हैल्प करा। वह एक जॉब नाल भी सार सकदा सी, पर दिमाग ते की सी उहदे भला, बोलो जी, प्रेशर, नींद नहीं सी पूरी हुंदी। साइड आ तो उन्हें टैक्सी चलाई, तड़के का समा आया तो कहते टैक्सी चला, तू जाके सौ जा, भी तू जाके लेट जा अपने घर जाके आराम कर, तू दिने फिर जॉब करनी। बंदा कुदरती गल लालच करता, चलो एक एक सवारी होर लै जा, जेहड़े 2 4 10 डॉलर बन गए होर बन जा। कभी कभी अपने धिया पुत्तों नूं इस पक्षों भी तो वेखो ना, तुहानू की लगता उत्थे जिहड़े बंदे काम करदे बड़ा सौखा है, एक एक लाते इत्थे तां फिर भी उत्थे दफ्तरां च कुर्सियां बहुत घट आ, खलो के काम करना पैंदा है, उत्थे 60 उत्थे 50 60 साल दा बंदा भी ऐन स्टैंड बिल्कुल खलो के काम कर रहा। हुण ओह बंदा घर आया, अपने घर आण के अपने सौ गया, 5:30 6 बजे उन्हें घर आया, 10 11 बजे उठता सी, फिर वो अपने दूजे काम ते जांदा सी, शामा तक फिर काम करता सी, फिर टैक्सी चलाउंदा सी, वो आके सौ गया। उसकी वाइफ ने नठाया उन्हें 11 बजे, के दिमाग च आया कोई हल्लावां तो सही होंगे, भी इशनान पानी करके तुसीं अपने काम ते फिर जाना। जदों तक उन्हें हिलाया, जदों आण के उहदे सारे उन्हें एंबूलेंस नूं कॉल की, पुलिस आ गई, सब कुछ आया, जदों उत्थे आण के चैक किया, पता लगा ਕਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਏ। सारे कट्ठे हो के जिहड़ा गन्ना हुंदा ना, गन्ना जिहनूं कोहलू दे विचों दी कढ़ी दा ना, एक बन्ने जदों आपां उहनूं उहनूं उहदे विचों दी कढ़दे आ, वेलणे दे विचों दी कढ़दे आ, तिलां दा जिहड़ा तेल लगदा कोहलू ते तोरीए दा उह तेल कढ़दे आ, पीड़े जांदे दोवें बन्ने उह रगड़ा वजदा, सेम इदां जिवें गन्ने दा रस कढ़न लई उहनूं वेलणे विचों दी कढ़दे आ। अज अज बंदे वी वेलणे विचों दी लंघ रहे, कदी अपने आप नूं जगह ते रख के वेखो, अच्छा साडा समाज खलोता कित्थे है, जिहड़ी असीं असीं भविख सवारन वास्ते अपने पुत्त धीआं भेज रहे हां, जिन्हां मावां दे इकलौते बच्चिआं दीआं बाहरों लाशां आईआं, की सोचदे होणगे इहदे नालों चंगा सी कदी अपने धी पुत्त नूं, बोलो जी, घल देना। अज अज दिमाग च लीडरां बारे भी आउंदा होणा वी, जे तुसीं इत्थे कारोबार दित्ता हुंदा, इत्थे कोई रुजगार दित्ता हुंदा, कम से कम साडा धी पुत्त साडे सामणे ते हुंदा। बहुत कुछ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਦਾਂ, $4 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੀ ਆ। सीधा मारना थोड़ा हुंदा तुसीं किसे नूं गोली मारना ही, फर्क यह हुंदा वी गोली मारना इहनूं आपां कह सकदे वी इत्थे बंदे दे FIR दर्ज होवे ने कतल करता, पर कदी नोट कीता इह जिहड़े कतल हो रहे आ किसे रिकॉर्ड च आ ही नहीं रहे, जिहड़े जिहड़े मानसिक तौर ते। ते मैं बेनती करनी चाहुंदा, जिथे वी साडा कोई नौजवान भैण भरा काम करदा, सब तों पहलां अपनी सेहत दा ध्यान रखो, सब तों पहलां अपनी रैसट करो, किन्ने घंटे तुसीं काम करना, जे शरीर ही ना रहा ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੌ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
तो मेरी बेनती हाथ जोड़ के जी गुरु साहब ने सू फिलोसफी दी बा कमाल है कि मेरा वैद गुरु गोबिंद मेरा गुरु वैद आदा वैद आ कि रोग है जरा गुरु नहीं है गुरु नौमे का रोग नहीं है गुरु नोह का रोग नहीं है गुरु नालच का रोग नहीं है आ रोग आ लालच रोग नहीं है लालची तो एक बीमारी है ना जिस करके संसार अज दुखी हो रहा तो गुरु पंजे पातशाह जी कहते ने जिहवा रोग मीन ग्रासियां नूं जुबान दा रोग चस्के दा रोग मछी नूं दित्ता होया समुंदर मछी फण वाला बंदा समुंदर च थोड़ा जांदा उह ते कंढे ते बैठा दरिया च थोड़ा बैठा उह दरिया दे कंढे ते बैठा कुंडी सुट के मछी दी मर्जी हुंदी कुंडी मूंह च पौंदी ना ते ना फड़ी जांदी पर करे की चस्का ना उहनूं उह भज के बोटी नूं मूंह च पौण पौंदी आ उहनूं इह भुल ही जांदा वी इस बोटी थले कुंडी हैगी है कुंडी भज के बोटी मूंह च पाउंदी आ माड़ जी तार हुंदी आ अगला खिच के चबाड़े च फस जांदी कुंडी खिच के बाहर लै आउंदा सतगुर ने बाणी च लिखिया कीते कारण पाकड़ी अत सियाणी सोहणी मच्छी अपने आप बड़ी सियाणी सी पर अपने लालच करके फड़ी गई ना हुण इत्थे गल मच्छी दी नहीं हो रही बंदे दे चस्कियां दी हो रही बंदे दे चस्के बंदे नूं फसा दिंदे आ चस्के ना होण ते बंदा कदी वी ना फसे डेढ़ डेढ़ दो दो लाख दी सैलरियां वाले बंदे भी कई बार दो दो तीन तीन हजार रिश्वतां लैंदे फड़े जांदे फिर रोंदे आ वी हाए आ दो चार हजार बंदे मूंह काला करा के बह गए पर अगले कुंडी सुटी सी ना तेनू कुंडी दिसी नहीं तेनू उत्ते बोटी दिसी तू बोटी मूंह च पाली थले कुंडी वेखी नहीं किदां अड़ गई ऐदां होया नुकसान साडा हुण इह रोग आ जिहड़े तुहाडे मानसिक रोग आ पातशाह जी कहिंदे मच्छी नूं जबान दा चस्का बंदे नूं जबान दा चस्का हुण इह जबान दे चस्के दा रोग किसे डाक्टर कोल दवाई थोड़ा हैगी हैगी जी अज तक कोई बंदा किसे डाक्टर कोल इह दवाई लैण गया मैनूं जबान दा चस्का वड़ा कोई दवाई दे वधिया जी इह चस्का जिहड़ा ना इहदा इलाज सिर्फ तेरे कोल ही आ गुरु कहिंदा चस्का तैनूं छड्डणा पैणा भाई अज तक कोई बंदा कोई डाक्टर कोल होमे दी दवाई लैण गया मोह दी दवाई लैण गया लालच दी दवाई लैण गया इह दवाई उहनां कोल है ही नहीं ये गुरु जी कहते दवाई तेरे को अपने को तेरे अंदर ही हैगी है क्योंकि होमे रोग होमे दीर्घ रोग है होमे बड़ा खतरनाक रोग वा पर नाल कहते दारू पी इस माहे जे रोग खतरनाक है ना इहदा इलाज भी इहदे अंदर ही है कृपा करे जी अपनी तां गुर का शब्द कमाहे जे उहदी रहमत हो जाए ते गुरु दे शब्द नूं कमा के बंदा इस बीमारी नूं अपने जीवन चों बाहर कढ सकदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा मेरा जो गुरु है वह बड़ा काबल वैद हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा वह जम की फाई करता केड़ा जम काम जम क्रोध जम इदा समझो काम जम क्रोध जम लोभ जम हंकार जम यह जम वा जेडे जिंदे जी बंदे दे गल फा पा के बंदे को पुठे काम कराई जाते हैं ये जम जेडे बंदे को पुठे काम कराते तो बंदा इन्ह जमा की मार खा के जीवन खत्म करके बह जाता तो हजूर इतने समझाते हैं हर हर नाम औखद मुख देवे हरी हरी दे नाम की औखदी मुख भी दिता तो काटे जम की फंदा तो जम की फाई कटी जाती है तो हजूर कहते जन्म जन्म के दुख निवारे जन्मा जन्मांतर के दुख जड़े खत्म करता है कि जन्मां साढ़े मन के जन्मां क्योंकि गल मन की हो रही है जन्म जन्म के दुख निवारे सूका मन सदा तन का जन्म हो रहा है मन का जन्म हो रहा है तन एक बार जमया तो एक बार मरना है मन रोज जमदा तो रोज मरता है किदां जमदा मरदा भला किसी की तरक्की वेख के होका जा निकल जाता किसी की तरक्की वेख के खुशी ना होनी समझ लो मर गया जिवें आपां नहीं आम कई कहने फलाना बंदा तो फलाने की कोठी वेख के मारी गया आप कई बार शब्द नहीं बोलते भाई अहीं ते अपने किसी रिश्तेदार नूं नवीं गड्डी लियांदी ते जाके गड्डी विखाई उह तां गड्डी वेख के उच्ची बोलो जी मरन दा अर्थ की उहदी मौत हो गई भाव उहनूं गड्डी अंदरों चंगी भावें लड्डू दित्ता भावें उहनूं डब्बा दित्ता लड्डू भी खा लिया कई वेख्या ना कई के सब तों वड्डी पछाण पता कि जदों तुसीं किसे नूं चीज़ विखाओ उहदे उहदा तुहानूं फेस दस दूगा जे तो अखा च माड़ा माड़ा जहा पानी जहा आ गया तो उतों तो असी भी गया समझ लेना भी यहाँ लड्डू फसया संघ जो यह खुल के ना रो रहा ना खुल के उची बोल ना खुल के रो रहा ना खुल के हस रहा हासा नहीं आ रहा पर अगले का कोई नुकसान नहीं होना नुकसान तेरा होना तू उस